भारत और सनातन धर्म दुनिया में शांति को दे सकता है गारंटी, हरियाणा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस को इमरान से गठबंधन करके पाकिस्तान में बनानी चाहिए सरकार, फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पर भड़के सीएम हिमंता। पाकिस्तानी टीम पर बरसाए गए फूल, स्वागत देख भड़के शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, बोली पाकिस्तान टीम के स्वागत में इस तरह डांस जैसे कि वे हमारे बहादुर शहीदों और आतंकवाद पीड़ितों की मौत पर डांस कर रहे हो। यूपी के बरेली में मस्जिद पर तिरंगे के ऊपर लगाया इस्लामिक झंडा, मौलाना पर एफआईआर हुआ दर्ज। दुर्गा पूजा से पहले बिहार के सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में नीतीश के हाथ से हो सकते हैं दलित, अब ललन ने दिया बड़ा झटका, जेडीयू में मिलने लगे भगदड़ के संकेत। 82 साल की पत्नी को तलाक देना चाहता था 89 साल का बुजुर्ग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटों को रिहाई पर पटाखे फोड़े, नारे लगाए गए, अब पुलिस कर रही है तलाश। दिल्ली एनसीआर में हो सकती है पानी की दिक्कत, अगले 20 दिनों तक कम होगी सप्लाई। बीजेपी को लगा बड़ा झटका, साथ छोड़ गए राजकुमार वैर का, माना जाता है पंजाब की सियासत का बड़ा दलित। जंग किसी के हित में नहीं, आतंकवाद दुनिया की बड़ी चुनौती, P20 सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। भारत और पाकिस्तान मैच में फैंस को मिलेगा डबल मजा, दो बड़े सिंगर सजाएंगे महफिल, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा आमना सामना। कांग्रेस आधी सीटों पर रिपीट कर सकती है टिकट, सिटिंग वेटिंग फॉर्मूले पर हो रहा है विचार, आज जयपुर में कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। भारत और पाकिस्तान मैच की डुप्लीकेट टिकटें बेचने वाले 4 हुए गिरफ्तार, मौज मस्ती के लिए 40 टिकट बेचे। शराब घोटाला मामले में आप नेता संजय सिंह की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। खालिस्तान समर्थकों की धमकी के बाद अलर्ट पर भारत सरकार, विदेश मंत्री जयशंकर को मिली जेट कैटेगरी सुरक्षा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट आज शाम 6 बजे कार सेवकों को देगा श्रद्धांजलि। लखनऊ में कैंडिडेट्स पुलिस में हुई झड़प, सीएम आवास घेरने पहुंचे तो खदेड़ा, कई बेहोश हुए, 59,000 शिक्षक भर्ती में थी नौकरी की मांग। कल जारी होगी एमपी में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। राज्य में 5 महीने में 19,553 महिलाएं हुई लापता, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने गृह मंत्रालय से उचित जांच कराने की मांग की। टोल बूथ पर 4 मिनट तक नहीं रुकेगी कोई गाड़ी, सरकार और मनसे की कैमरों की नजर, राज ठाकरे की बैठक से बड़े फैसले। शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार में प्रेमिका से मिलने के लिए घर में घुसा आशिक, घर वालों ने जमकर पीटा। बिहार में 9वीं की छात्र का क्लास की लड़की से था अफेयर, भाई ने बहन की प्रेमिकी की आंखें निकाली, हाथ पैर बांधा तालाब में फेंका। बिहार का लड़का झारखंड की लड़की, कमरे में अर्धनग अवस्था में मिले शव, खून से सना था शरीर।